आज तक डिजिटल बड़ी ब्रेकिंग, नोएडा में एसटीएफ ने दो चीनी नागरिकों को किया अरेस्ट। मोबाइल ऐप बनाकर कर रहे थे ऑनलाइन ठगी। आरोपियों के पास से 70 सिम कार्ड मिले, 30,000 कैश, 2 पासपोर्ट भी बरामद। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अपने देश भेजते थे पैसा। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी। काफी समय से लोगों के साथ की जा रही थी ठगी और नोएडा में एसटीएफ ने दो चीनी नागरिकों को अरेस्ट किया है जो मोबाइल एप्लीकेशन बनाकर ठगी कर रहे थे। आरोपियों के पास से 70 सिम कार्ड, 30,000 कैश और 2 पासपोर्ट बरामद हुए हैं। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से देश भेजते थे पैसा। गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी चल रही है दोनों की। काफी समय से लोगों के साथ की जा रही थी ठगी।